हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट लेडी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उस सब के बारे में। एक प्रेग्नेंट लेडी यही चाहती है कि जो उसका होने वाला बेबी है वो हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो, जिसके लिए उसको सबसे ज़्यादा अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसको कितना मात्रा में खाना है, क्या खाना है, उसकी पूरी डाइट चार्ट क्या होना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, ये एक प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में कुछ मिथ भी होते हैं कि खाने को लेकर, कि आपको ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। सब मिथ के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको क्या चीज़ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपने डाइट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्रेगनेंसी के दौरान, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला हम बात करेंगे, आप अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को ऐड ज़रूर कीजिएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक आप दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब ऐड कर सकते हैं, चीज़ ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। बेबी के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान लगभग एक लेडी को 1000 mg तक कैल्शियम लेने की ज़रूरत होती है, जिससे आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है और वो उसके आगे डेवलपमेंट में काम आती हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको सिर्फ पॉस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने हैं, कोई भी अनपॉस्चराइज्ड प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिएगा। ये आपके बेबी को हार्मफुल हो सकते हैं, ये आपको भी नुकसान कर सकते हैं और बेबी को भी नुकसान कर सकते हैं। आपको अगर जैसे चीज़ पसंद है तो आप जो चीज़ खाएंगे अपनी डाइट में शामिल करें तो वो हार्ड चीज़ शामिल कीजिएगा। जो कि ठोस चीज़ आता है मार्केट में वही लीजिएगा। आपको बहुत ध्यान रखना है एक बात का, जो सॉफ्ट चीज़ होते हैं, नरम चीज़ होता है जो, वो अनपॉस्चराइज मिल्क से बना हुआ होता है, उसमें लिस्टीरिया नामक बैक्टीरिया होता है जो कि आपको और आपके बेबी को नुकसानदेह हो सकता है। तो आपको जब भी चीज़ खाएं तो यही देखकर प्रोडक्ट पर देख लीजिएगा कि वो पॉस्चराइज है कि नहीं। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, कि आपको बिना उबला हुआ दूध नहीं पीना है प्रेगनेंसी के दौरान। बिना उबले हुए दूध में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो भी आपको नुकसानदेह हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, शामिल करना, वो हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। एक प्रेग्नेंट लेडी को खान पान पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसको प्रॉपर एक न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो आप उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करें। आप अपनी डाइट में पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, एक तरह की गोभी आती है मार्केट में ब्रोकली, वो भी ऐड कर सकती हैं। जितनी भी हरी सब्जियां आप अपने आसपास देखें, आप उसको डाइट में ज़रूर ऐड करें। पालक में आप जानती हैं कितना आयरन होता है और प्रेगनेंसी में बहुत नीड होती है आयरन की। अगर आपको नेचुरली आयरन मिल रहा है हरी सब्जियों से और सबसे, तो आपको एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए और अपनी डाइट पर अच्छे से ध्यान दीजिए पूरी प्रेगनेंसी में। आपको इस पर भी एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, कभी भी आप बिना धुली फल और सब्जियाँ नहीं खाएं। आपको अगर यूज़ करना है, पहले अच्छे से सब्जियों को धो लीजिए, फलों को धो लीजिए और उनका छिलका उतार लीजिए, देन उसको यूज़ कीजिए और उसको एक अच्छे टेम्परेचर पर, एक सही टेम्परेचर पर उबाल कर उन सब्जियों को यूज़ करें, ताकि जो उनके बैक्टीरिया हैं, जो उनमें कीटनाशक डाले जाते हैं, वो उनके ख़त्म हो जाएं। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में 78% लोग अभी तक फल और सब्जियां धोकर नहीं यूज़ करते, वो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, जिससे उनको फूड पॉइजनिंग तक हो जाती है। ज़्यादातर यही समस्याएं देखने में आई हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको जब भी यूज़ करना है कोई भी फल सब्जी, अच्छे से उसको धो लीजिए। हम बात करते हैं, अब आपको ऐड करना है अपनी डाइट में तीसरी चीज़, वो है ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट ज़रूर खाइएगा। ये आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर पूरे थर्ड ट्राइमेस्टर तक यूज़ कर सकती हैं। आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ बहुत तरीके से कर सकती हैं। आप बादाम लेकर उन्हें भिगो लीजिए रात भर, फिर सुबह उसका छिलका उतार के वो खा सकती हैं। आप दूध में बादाम ले सकती हैं, बादाम, काजू हो गया,
आपका अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, तो ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट जितने भी है, किशमिश हो गई, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आपको पता है कि ड्राई फ्रूट में कितना विटामिन्स होता है, कितने ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है एक तो, और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, और इससे बहुत कैलोरी भी मिलती है जो आपको एनर्जी देगी पूरे दिन। ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आप इसे ज़रूर शामिल करें। अब हम बात करते हैं चौथी चीज़ जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, वो है शकरकंद। जी हाँ, स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं, वो आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है, जो बच्चे के आई साइट के लिए, उसके विज़न डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज ही अपनी डाइट में शकरकंदी लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं अपनी पांचवी चीज़ की। आपको जो अपनी डाइट में अब ऐड करना है वो है अनाज। ग्रेन्स अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिए, लाइक आप गोल्डन राइस हो गए, आपके ओट्स हो गए, आप इस जौ हो गया, इस तरह की चीज़ें जो भी अनाज होते हैं, ग्रेन होते हैं, वो आप ले सकती हैं। पल्सेस आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। दालें बहुत अच्छे से खाइए, सारी तरह की दालें खाइए, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल ले सकते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें अपने डाइट में ऐड करें। आपको ग्रेन्स में अच्छी मात्रा में कैलोरी तो मिलेगी ही, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम भी होता है, जो आपके बेबी के डेवलपमेंट में, उसके विकास में मदद करेगा। अब आपको जो शामिल करना है अपनी डाइट में वो है एवोकाडो। प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है सबसे ज़्यादा एवोकाडो खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है। इसमें फॉलेट होता है, जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में, उसकी स्पाइन डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। इसमें विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी होता है इसमें। तो ये बहुत ही एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस फ्रूट है, ये आप डेली एक अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में अंडा शामिल कर सकती हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में तो अंडा बिल्कुल भी नहीं खाया। और अगर आप पसंद करते हैं अंडा खाना, तो आप अंडा ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसे बोलते हैं अंडे को पौष्टिक तत्वों का खजाना है अंडा, तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में, जैसे आप जानते हैं, विटामिन डी होता है, इसमें प्रोटीन होता है, कोलीन नामक तत्व होते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें होती है, बायोटीन होता है, जो कि एक बेबी, एक हेल्दी बेबी के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आपको एक एग से मिल जाएगी। जैसा आप जानती हैं कि अंडे में 77 कैलोरी तक ऊर्जा होती है, जो कि आपको दिन भर एनर्जी देगी। आप अपनी डाइट में अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रूट्स। जी हाँ, फ्रूट्स ऐड करिए, चाहे वो आप फलों का रस लें, फ्रूट जूस लें, या डायरेक्ट आप फल ही क्यों ना कंज्यूम करें। डेली आपको फ्रूट्स खाने हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक आप ऑरेंज खा सकती हैं, आप मौसमी खा सकती हैं, तो और जो भी आपके सीजनेबल फ्रूट अवेलेबल हैं वो सारे फल आपको खाने हैं। इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स होते हैं, अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, कैलोरीज होती है, जो आपको पूरे दिन एनर्जी देती है, बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अब आखिरी बात हम करते हैं, आपको अपने डाइट में शामिल करना है पानी। जी हाँ, आपको खूब सारा पानी पीना है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। आपको दिन भर में 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना है, क्योंकि पानी की कमी से होने वाला जो सर दर्द है, थकान है, या डिहाइड्रेशन आपको नहीं हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी पीने का ज़रूर ख्याल रखें प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपको सादा पानी नहीं अच्छा लग रहा है, आप उसको डिफरेंट तरीके से आप ट्राई कर सकती हैं, शरबत बना सकती हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह आता है जिसे वो कर सक डाल कर पी सकती हैं, कुछ भी उसमें आप रसना डाल लीजिए, वो पीजिए। तो पानी आपको पीना है, उसका आप टाइम बना लीजिए, अपनी एक बोतल बना लीजिए कि आपको दिन भर में 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना है। आपको इसके साथ साथ आप नारियल पानी पी सकती हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। पानी पिए, नारियल पानी पिए, क्योंकि नारियल पानी क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूड होता है उसका भी बैलेंस बनाए रखता है। तो हमने बात करी है प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए, उस सब के बारे में। अब मैं आपसे बात करती हूँ प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए, उस चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है, आप अगर स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उसको अभी छोड़ दीजिए। प्रेगनेंसी में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और शराब वगैरह का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपके हेल्थ के लिए तो नुकसानदायक है ही, लेकिन बेबी के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। एक स्टडी के मुताबिक जो अल्कोहल होता है वो बेबी के लिए
बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। वो बेबी में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कर सकता है, बेबी की तुरंत डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़, वो है आधा पका हुआ अंडा या कच्चा अंडा आपको नहीं खाना चाहिए। इसमें सालमोनेला नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है, उल्टी दस्त हो सकते हैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान। ये एक नुकसानदायक चीज़ हो जाती है, खासकर स्टार्टिंग के महीनों में, स्टार्टिंग के डेज में आप अध पका जो अंडा होता है उसे खाने से बचें। अब जो आपको नहीं खाना चाहिए वो है कैफीन, आपको कैफीन नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। एक जो मात्रा है उसकी तक आप कैफीन दिन भर में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कैफीन नहीं लेना है आपको। चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, इनमें कैफीन अधिक मात्रा में होता है, तो इन सब के भी सेवन से आपको बचना है, क्यों ज़्यादा कैफीन के सेवन से मिसकैरेज भी हो जाता है, तो आपको इस सबसे बचना है। अगर आप ज़्यादा कैफीन इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका बेबी का वज़न कम हो बर्थ के टाइम पर, तो ये भी हो सकता है। नुकसान कैफीन का तो बहुत है ही, आपको इससे सावधानी रखनी। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए। कच्चा पपीता नहीं खाएं क्योंकि इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन को बढ़ा देता है, जिससे मिसकैरेज हो सकता है। तो आप कभी भी खाएं पका हुआ, अच्छा पका हुआ पपीता ही खाएं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप कच्चा पपीता खाने से ज़रूर बचिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो जैसे आप मीट खाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कच्चा मीट नहीं खाना है आपको, ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। आप नॉन वेज खाती हैं, अगर आप ये सब चीज़ें मीट वगैरह खाती हैं, तो ये प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, अच्छे टेम्परेचर पे पका हुआ होना चाहिए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अब जो आपको नहीं खाना है वो है कच्ची अंकुरित चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि अंकुरित की हुई चीज़ें वैसे तो फ़ायदेमंद बहुत होती हैं, बहुत उसमें कैलोरीज होती है, विटामिन, फाइबर, सब चीज़ें होती हैं। जो कच्ची अंकुरित दालें होती हैं उसमें सैल्मोनेला, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो कि आपके और आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और ज़रूरी बात है, आपने अक्सर प्रेगनेंसी में सुना होगा कि आप हर्बल चीज़ें लीजिए, हर्बल टी लो, हर्बल सप्लीमेंट लो, ये आपकी प्रेगनेंसी में अच्छा रहेगा। तो ये हो सकता है कि अच्छा हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनमें जो जड़ी बूटियां होती हैं उनकी प्रॉपर जांच नहीं होती है, उनकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती है, तो ये कई बार नुकसान कर जाती है फ़ायदा करने के बजाय। तो आप अपने डॉक्टर से ही ज़रूर ये परामर्श कर लीजिए, उनके ही रिकमेंड पर कोई भी चीज़ आप प्रेगनेंसी में लें। इवन दवाइयाँ भी अगर आप किसी चीज़ की ले रही हैं, सप्लीमेंट ले रही हैं, तो उसे डॉक्टर से पूछ कर ही लीजिए, उनके प्रिस्क्राइब्ड ही चीज़ें लें। आप अगर ऐसा चाहती हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की नीड है, तो आप उनसे मल्टी विटामिन लिखवा लीजिए, वो आप खाइए, वो ज़्यादा बेटर है। ये हर्बल टी या हर्बल सप्लीमेंट से आप बचिए, क्योंकि ये कई असुरक्षित भी हो सकती है कई मायनों में। अगर आप ऐसे ही ले लेते हैं कहीं से बिना जांचे परखे, तो वो आपको नुकसानदायक हो सकता है। आप जब भी ख़रीदें, याद रखें पैकेट के पीछे उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जितनी भी जड़ी बूटियों से वो हर्बल चीज़ बनी हुई है, आप उसकी जांच ज़रूर कर लीजिए, उस चीज़ का सेवन करें, ट्रस्टेड ब्रांड का ही आप सामान लें। तो फ्रेंड्स, अब हमने बात कर ली यहाँ पर प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इससे जुड़े हुए मिथ किसी और अगली वीडियो में कवर ज़रूर करूँगी, तो मेरा चैनल उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मॉम्स जर्नी के नाम से, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां जाके क्लिक कर सकते हैं, और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्स जर्नी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।